हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी A34 5G फ़ोन में कैसे अपने सैमसंग गैलेक्सी A34 5G फ़ोन में कैसे अपने फ़ोन में कस्टम रिंगटोन्स को सेट कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A34 5G फ़ोन में, और कस्टम रिंगटोन्स को सेट कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है, तो क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो कस्टम रिंगटोन्स को सेट कैसे कर सकते हैं और सॉन्ग्स वगैरह को कैसे रिंगटोन्स में लगा सकते हैं, तो सिंपली आपकी सेटिंग शो हो रही है, तो आपको साउंड एंड वाइब्रेशंस पे जाना है और क्लिक करते ही साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग से ओपन हो जाएगी। फिर आपको रिंगटोन गैलरी पे जाना है। जो भी म्यूजिक एंड सॉन्ग्स को आप ऐड करना चाहते हैं और कॉलिंग्स में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा प्लस ऑप्शंस पे, तो प्लस ऑप्शंस पे जाते हैं तो आपके पास से गैलरी में सॉन्ग्स शो हो रहा है। अभी हमारे फ़ोन में सिर्फ यही सॉन्ग्स है, तो इसको ऐड करना चाहें तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। डन कर देना है, और डन करते यहाँ पर ही ऑटोमेटिकली पहले से ऐड आ जाएगा। इसको आपको बैक कर देना है, बैक कर दे, कस्टम रिंगटोन हमारे फ़ोन में सेट हो जाएगी जो कॉलिंग्स पे शो करेगी। तो इस तरीके से सॉन्ग्स म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं कस्टम रिंगटोन में, और साथ में ही नोटिफिकेशंस में भी कोई भी रिंगटोन लगा सकते हैं डिफरेंट टाइप, इस तरीके से सेट कर पाएंगे। इसको वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं, और बैक कर दे, नोटिफिकेशंस में भी रिंगटोन को आप सेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से कस्टम रिंगटोन सेट कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A34 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियोस लगी तो